ममता बैनर्जी पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। 2019 इलेक्शन नूं लैके कल पंपी बादल दा बयान आया कि डुबदा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल अज लगातार दुआबे दे विच मीटिंगां कर रहे ने ते पार्टी वर्करां नाल मिलन दी कोशिश कर रहे ने ते अग्गे दी रणनीति तय कर रहे। सुखबीर जी की कहना चाहोगे लगातार कि एक पॉलिटिकल ड्रामा ममता बैनर्जी पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। एक क्रिमिनल केस में अगर CBI को इन्वेस्टिगेशन से रोका जाए उससे माड़ी बात क्या हो जाएगी। ये एक देश के कानून है, एक सिस्टम है, वो उसको तोड़ना चाहती है। इसका मतलब है आगे से जो मुख्यमंत्री बनेगा वो अपनी रियासत बना लेगा। तो ये बाकी ऑपोजिशन लीडर भी इनके साथ ये सारा क्योंकि ये पॉलिटिकल क्योंकि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो अपने 2019 की इलेक्शन की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको देखना चाहिए पॉलिटिक्स खेलने के पहले इंडिया की जो स्ट्रेंथ है और यूनिटी है उसको ख्याल रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सरकार की तरफ से नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, CBI एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है CBI को सुप्रीम कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को रोकोगे और अपनी पॉलिटिकल फोर्स यूज करोगे, क्या ममता बनर्जी डरती है? क्या कोई चीज़ ऐसी है जिससे उसको डर लग रहा है? सुखबीर बादल जो अज लगातार सवेर तो दुआबे के पार्टी वर्करों मीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने वालों ममता बनर्जी के उत्ते वड्डा बयान दिता गया कि ममता बनर्जी कानून अपने हाथ के लै रही है जो CBI के उत्ते उन्होंने वालों FIR दर्ज कराई गई है तो धरना दे रहे हैं। तो दूजे पास उन्होंने कहा कि NDA के सब कुछ ठीक है, कुछ किसी भी तरह का NDA के उन्होंने कोई भी जोड़ा है विरोध देखने नहीं मिले NDA। कैमरामैन रोहित के नाल विवेकता दैनिक सवेरा TV गुराया।